दोस्तों शिहाब भाई ना तो सेलिब्रिटी है और ना ही कोई राजनेता है, फिर भी यह जहां पहुंचते हैं जिस शहर में भी पहुंचते हैं लोग इनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कल तक तो इनको कोई नहीं जानता था लेकिन आज इनको जानने वालों की संख्या हजारों में है। दोस्तों शिहाब भाई केरल से मक्का पैदल अपने घर से निकले हुए 58 दिन हो गए। ऐसे में पाकिस्तान से शिहाब भाई के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से शिहाब भाई के स्वागत करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। दोस्तों शिहाब भाई ने अपने घर केरल से निकले हुए 58 दिन हो गए, यानी शिहाब भाई अपने घर से निकले हुए 2 महीने हज के सफर पर पैदल रवाना हुए हो चुके हैं और अल्लाह ने जो इनकी इज्जत और लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है उनकी कोई मिसाल नहीं है। ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना ही कोई एक्टर है और ना ही कोई राजनीतिक नेता है, मगर शिहाब ने अल्लाह के राह में पैदल हज करने का इरादा किया था तो अल्लाह ने किस कदर इज्जत अता फरमाए कि जहां से गुजर रहे हैं हजारों की तादाद में लोग इनको इस्तकबाल के लिए सड़कों में खड़े हुए नजर आते हैं। और दोस्तों जब शिहाब बॉर्डर पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो उनके स्वागत के लिए लोगों ने पहले ही उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है। एक बड़ी तादाद में वहाँ के पोलिटिकल लीडर और मजहबी रहनुमा इस्तकबाल करेंगे और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ के आर्मी भी शिहाब भाई के स्वागत के लिए तैयारी कर रखे हैं। शिहाब फिर पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक, फिर कुवैत से गुजरते हुए सऊदी अरब पहुंचेंगे और इनकी यह सफर तकरीबन 280 दिनों के करीब होंगे। दुआ है कि अल्लाह शिहाब के इस सफर में आसानी फरमाए और उनके इस लंबे सफर को आसान फरमाए।